आरटीओ दफ्तर में कामकाज नहीं होने व लापरवाही बरते जाने की शिकायतों के बाद मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार आज प्रदेश में आरटीआई कार्यालय पर सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने छापेमारी की। सिरसा में मिल रही शिकायतों की सच्चाई भी इसने खोल कर रख दी। छापेमारी के दौरान कार्यालय में एक भी कर्मचारी मौजूद नहीं मिला सिवाय स्वीपर के। निर्धारित समय के बाद हालांकि 8 कर्मचारी पहुंचे। काबिले गौर है कि आरटीओ कार्यालय में 17 कर्मचारी की ड्यूटी है। छापेमारी कार्रवाई के दौरान करीब 11:30 बजे तक 9 कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं पहुंचे थे। कर्मचारियों के समय पर नहीं आने के चलते कार्यालय में अपने कार्य करवाने के लिए आने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सुबह सवेरे 9 बजे से लोग जुर्माना राशि भरने के लिए कार्यों में पहुंच रहे हैं, लेकिन 11 बजे तक भी खिड़की नहीं खुलने से लोगों की राशि जमा नहीं हो पा रही। लोगों का कहना है कि आरटीओ कार्यालय में काम नहीं होता, लोगों को बार बार चक्कर काटने को मजबूर होना पड़ता है। इसके चलते उन्हें समय की बर्बादी व आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ता है। वहीं इस मसले पर डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर जोगेंद्र नागपाल ने बताया कि सुबह 10 बजे छापेमारी की कार्यवाही शुरू की गई। इस दौरान निर्धारित समय पर कोई भी कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं मिला। इसके बाद से 8 कर्मचारी ड्यूटी पर पहुंचे हैं। इस पर रिपोर्ट बनाकर मुख्यालय में सौंपी जाएगी, जिसके बाद आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सिरसा से सुनील वर्मा की रिपोर्ट। 30/12/2019 को सिरसा के आरटीओ ऑफिस में ऑपरेशन अभियान के तहत रूटीन चेकिंग की गई है, जिसमें काफ़ी दुविधाएं मिली हैं। कैमरे नहीं लगे हुए, लगे हुए हैं तो काम नहीं कर रहे, हर मुलाजिम यहाँ समय पर नहीं आए, उनकी हम जांच कर रहे हैं। कुल यहाँ 17 मुलाजिम हैं, जो अब तक 8 मुलाजिम हाजिर आए हैं, बाकी 11 हाजिर हैं। सरकार को रिपोर्ट बना के भेजेंगे, हमारे सीनियर अफसरान वाला जैसे भी वो कार्रवाई करेंगे। यहाँ जैसे मैंने गाड़ी की पासिंग करवानी थी जी, तो मेरे को 4 चक्कर इन्होंने मरवाए हैं जी। कभी तो बोलते हैं भी आपकी ये डॉक्यूमेंट कम है जी, कभी बोलते हैं ये कम है ये किंदा, कभी बोलते हैं भी आप जिसके नाम गाड़ी है उसका किंदा वो लेके उसके साथ लेके आओ। अब मैंने गाड़ी पासिंग करवानी थी तो मेरे को इन्होंने ये बोला भी आपका जो टैक्स है वो आपका जो पहले कहीं आपने किंदा करवा रखा था उसको फेल करवाओ, यहाँ से फिर मेरा टैक्स किंदा पेड होगा। फिर उस पासिंग के लिए इन्होंने मेरे को 3 चक्कर कटवाए, जिससे मेरे को पासिंग की जो लेट फीस है वो मेरे को 450 रुपये मेरी लेट फीस लगी, वो मैंने खुद भरी है जी इनकी वजह से। तो अब मैंने पासिंग मेरी गाड़ी की हो चुकी है, मेरे को इन्होंने 4 चक्कर मारे हैं। कह रहे हैं जो किंदा जिसने पासिंग देनी है वो अभी आया नहीं है, वो कल आएगा। जो आप पासिंग है वो आपकी अभी तक यहाँ हमारे पास पहुँची नहीं, जबकि मेरी पासिंग गाड़ी हुई को आज पूरे 25 दिन हो गए हैं जी। हाँ जी, मैंने उनको बोला जी हाँ मेरे किंदा मेरे को आते ही मेरे को गाड़ी एक दोस्त है मेरे, उन्होंने बोला भी हाँ भी जी चंडीगढ़ से फ्लाइंग आई है इनके ऊपर पड़ी है तो कोई कहना चाहते हो। अब मैंने कहा भाई मैं तो बोलूँगा कि मेरे को परेशानी आ रही है, 4 चक्कर मैंने लगा लिए हैं जी। एक तो मेरे गेड़े कैंसिल हो रहे हैं जी इनकी वजह से, क्योंकि जब कई बार जाते हैं तो वो ट्रैफिक पुलिस या कोई भी वो कागज़ पूरे मांगती है हमारे से।